परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। पर मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम ने तो ऑपरेशन का कहा है। ऑपरेशन? मगर क्यों? अब तक तो सब कुछ नॉर्मल है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह ये केस भी नॉर्मल होगा। बेफिक्र रहिए मिस मुबारक, हमारे होते हुए फिक्र कैसी? आप जाते हुए ऑपरेशन की बुकिंग करा लीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर का? मैडम, इस पेशेंट को तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके ऑलरेडी दो बेटे नॉर्मल हुए हैं। आप ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख लीजिए। डॉक्टर नाजिश, आपको MBBS किए सिर्फ 7 साल हुए हैं और मुझे 27 साल। क्या तुम मेरे तजर्बे को चैलेंज कर सकती हो? लेकिन एक सेहतमंद औरत को बिला वजह क्यों ऑपरेट किया जाए? इसलिए कि वो अफोर्ड कर सकती है, और इस अस्पताल को चलाने के लिए मुझे 30% केसेस करने पड़ते। और सुनो, तुम जैसी डॉक्टर निया मुझे शेर के भाव ढेर मिल सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी। घबराने की कोई बात नहीं है, जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। आप फिक्र ना करें, अभी बाहर आ जाएंगे। आई सर, मैं तो बहुत ही नर्वस हो गई थी। ऑपरेशन तो छोटा सा था, लेकिन पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी की वजह से मैं घबरा गई थी। जानता हूँ, चंद दिनों में ही आप आदी हो जाएंगी डॉक्टर नरगिस। मस्से, आपके हाथ में बहुत सफाई है। इसलिए कि जिंदगी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। आप एक डिटर्मिंड इंसान है, मैं तो हर वक्त कंफ्यूज रहती हूँ। एक बात कहूँ आपसे, जिंदगी में कामयाबी के लिए मंजिल का तायुन करना बहुत जरूरी होता है। हाय, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। How was the operation? It was a success, sir. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Great. बेगम साहब, आप आज यहाँ कैसे? एक पार्टी में जाना है। मैंने सोचा इन्हें हॉस्पिटल से पिक कर लूँ, वरना इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। आज सोचा इन्हें पकड़ ही लूँ, इसलिए मैं आ गई। सर, 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। सब खैरियत है ना? जी सर, सब खैरियत है। बस वो एक पार्टी में जाना है। पार्टी में? ठीक है, अपनी जगह किसी को बैठा कर चली जाओ। और वो डॉक्टर नाजिश चली गई? जी सर, वो आप ऑपरेशन में बिजी थे इसलिए वो जा चुकी हैं। ओके भाई, नाउ वी आर आल्सो गेटिंग लेट, सो वी मे एज वेल लीव। ओके, अल्लाह हाफिज़ बोथ ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़ सर। सर, मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे भी जाना है किसी पार्टी में। खुदा हाफिज़ सर। ओके, अच्छा प्लीज वो उस आदमी को अंदर भेज। जी। थैंक यू।
बाबा खैर है? बाबा वडेरे ने हमारा पानी बंद किया, फसल सूख गए हैं, कोई बीमारी को आसे वो हम लोटे शाह के पास है, आप इस मामले हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये हाथ तो ना जोड़ो, तुम्हारा मुझ पे हक है, हर इंसान का दूसरे इंसान पे हक होता भाई। नहीं 10 दिन वडेरे ने हमारा पानी बंद कर दिया है और इस मामले में आप हमारी मदद करो, और हमारा फसल सूख रहा है, हमारे बच्चों का गुजरान इसी पे है। तो ये वजह है। खैर दीन वडेरा अहमद अली को फोन लगाओ। काका तुम्हारे बेटे के लिए मैंने एसपी से कह दिया, वो कल शाम तक उसे छोड़ देंगे, लेकिन वो आए तो उसको मना करो कि ये छोटी मोटी जो चोरियां हैं ना ये ना किया करे। हेलो वडेरा अहमद अली से शेख साहब बात करेंगे जी। जी एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं पता करता हूँ जी। साईं वो शेख साहब का फोन है, वही पानी वाला मसला है। अरे बाबा उनको बोल दो कि साईं कराची गए हैं अपनी बेटी से मिलने, इन छोटे मोटे लोगों के साथ बात करने का मेरे पास टाइम कहाँ है। अच्छा साईं, साईं कराची गए हुए हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा। जी अच्छा। वो साईं वडेरा अहमद अली साहब कराची गए अपनी बेटी के पास। वडेरा अहमद अली MNA है, कहीं भी जा सकता है। अच्छा बाबा आप फिक्र नहीं करो, कल आपकी जमीन को पानी लगेगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। जाओ अपना काम करो। तुम्हें नौकरी चाहिए थी ना, पंप पे करोगे? चलो कराची मेरे साथ चलो, वहां मैं पंप पे लगा देता हूँ, ठीक है। अरे हाँ वो अल्लाह बरायो की जमीन का क्या हुआ? जमीन हमारे कब्जे में है और केस अदालत में चल रहा है, जो आपकी मर्जी हो फैसला वही होगा। और ये पानी का मसला क्या सुन रहा हूँ मैं? सही पहले अपनी जमीनों को तो पानी दे ले, बाद में उन्हें भी दे देंगे सही पानी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ सही, SHO साहब आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए सर। पापा तो बुलाओ ना उसको। अस्सलाम वालेकुम साईं, बादशाह को सलाम। SHO की वर्दी में तो वाह वाह लग रहे हो। साईं ये सब आप ही की मेहरबानी है जो आज मैं SHO के रूप में आपके सामने हाजिर हूँ। बाबा हमारी फर्जंदी में रहोगे तो खुश रहोगे। बाबा SHO साहब कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं साईं, मैं तो सिर्फ सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था। चलो बाबा ठीक है, वनी पहनो कम करो। मेहरबानी साईं। साईं गाड़ी तैयार? चलो। जी सर। चलो बाबा। फजलू बाबा
भैया इतना अंधेरा क्यों है, कहाँ है सब? सरप्राइज, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कैफ़ा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये कहकशा। Happy wedding anniversary to you. Thank you. Congratulations. Very nice. आपने तो ये सरप्राइज पार्टी है। आपने तो डॉक्टर नाज़िश का अंदाज़ा गलत साबित कर दिया। यार तुम तो गजब के अदाकार हो। भाई आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलता। चलो केक काटें। केक काटें प्लीज। वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि तुम्हें याद था। क्यों? क्योंकि जब तुम बिजी होते हो ना तो फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मैडम बिजी होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं तुम्हें या तुमसे मंसूब तमाम खुशियों को भूल जाऊं। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलती से जनाब की बीवी हूँ और शोहर आम तौर पर बीवियों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई सी। तो बीवियों के मतलब क्या ख्याल है कि वो शोहरों के साथ कैसा सलूक करती हैं? बीवियों के बारे में तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा शोहर अव्वलीन जिम्मेदारी है। Really? ऐसा है क्या? यकीन नहीं यार। यकीन करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आलम। आज मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं। तो इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है? आज मैंने उन्हें बहुत मिस किया। चलो मिलाएंगे उन्हें चलकर गांव में। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, शादी के वक्त उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ तुम्हारी खुशी देखी थी। हेलो, क्या गांव में सब खैरियत है ना? बाबा तो ठीक है?
अरे भागा की माँ, मैं तेरा उताक तक जा रहा हूँ, कोई काम तो नहीं है ना? तू नहीं जा, आज फिर अपनी भागा को जिनका दौरा पड़ गया था, बेचारी बहुत तड़पी है और मुझे डर है कि... चुप रहे, बंद कर अपनी काली जबान को, कुछ नहीं होता मेरी बच्ची को। तुम ना शहर ले जाओ, हो सकता है शहर में मेरी बेटी ठीक हो जाए। अरे भगवान, हम ठहरे गरीब लोग, शहर में किसके आसरे कहाँ जाएंगे? तो क्या मेरी बच्ची... नहीं नहीं, अल्लाह करेगा हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो लोटे शाह है ना? हाँ हाँ। मैं उसके पास गया था और भागा के बारे में मैंने सारी बात बताई उसको, तो उसने कल लाने के लिए कहा है, बोला भागा को मेरे पास ले आना, मैं देखूँगा। तो मैं और भागा लोटे शाह के पास होकर आ जाएंगे, तू फिक्र मत कर, अल्लाह बहुत बड़ा है, रहम करने वाला है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। फिक्र मत कर, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते? ये देख ये पत्थर, पता नहीं कब ये पीछा छोड़ेगा जिन मेरी बच्ची का। लगता है सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाय हाय, मुंह से तो अच्छी बात निकाल।
रुक क्यों गई बिटिया? वो बाबा ये चप्पल टूट गई मेरी। आप चले ना बड़े दरख्त के पास जाके रुके, मैं अभी रेशमा के घर से सही करवाती हूँ। लेकिन देर मत लगाना बिटिया, क्योंकि आज लोटे शाह के यहाँ औरतों की लाइन लगेगी। हाँ हाँ बाबा आप तो जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई ना? सिर्फ अम्मी की कमी महसूस होती है। बेटी जो गुजर गए हैं उनका रोना बेकार है। तो मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें ज़िंदगी में तमाम खुशियां प्रोवाइड किए हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत थी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, मैं आई एम अराउंड। ठीक है। वो तो वैसे राई का पहाड़ बना देती। कुछ नहीं हुआ, जरा चेहरा देखना बेटा कैसा पीला जर्द हो रहा है और बदन बुखार से तप रहा है बिल्कुल। और क्या बाबा? बाबा बात बुखार की नहीं है, अब देखिए ना यहाँ पर ना मेडिसिन है ना ही हॉस्पिटल, आप हमारे साथ क्यों नहीं चले चलते? हाँ बाबा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ अस्पताल नहीं है। अगर यहाँ अस्पताल होता तो आज बर वक्त अम्मी को ट्रीटमेंट मिलता और अम्मी हमारे साथ होती। बाबा हमारे साथ चले प्लीज। जो अल्लाह को मंजूर था बेटा वो हो गया। मैं तुम लोगों के साथ शहर नहीं जा सकता बेटा। पर क्यों? जब नाजिश की माँ इस दुनिया से गई तो इसी गांव के लोगों ने, इसी जमीन ने मुझे सहारा दिया। परसों आप यारी की मेरी और मुझे घने तनों मन सायादार दरख्त की मानिंद कर दिया। आज इस गांव को, यहाँ के लोगों को मेरी छांव की जरूरत है तो तुम लोग मुझे उखाड़ के शहर ले जाना चाहते हो? बाबा हमें भी तो आपकी छांव की जरूरत है।
हाँ हाँ बेटा बेशक। तो तुम दोनों क्यों नहीं आ जाते हो यहाँ हमेशा के लिए? अरे भाई यहाँ तुम लोगों की वजह से कुछ इलाज मालजे की सहूलत भी बन जाएगी। बाबा मेरा करियर है वहाँ पर, हम दोनों की जॉब्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, हम लोग भला शहर छोड़कर कैसे आ सकते हैं? जैसे तुम मजबूर हो ना बेटा, ऐसे ही मैं भी मजबूर हूँ। प्लीज मुझसे मेरी ये मट्टी, मेरे ये लोग छोड़ने को मत कहो मेरी जान। ओहो बाबा आप तो अच्छा, अब तुम जाओ, जाओ जाके रिलैक्स करो। ये हसीना बुआ की जरा सी बेवकूफी ने तुम्हें कितनी मुश्किल में सफर कराया होगा। बाबा बाबा आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ जाके रिलैक्स करो। मैं अपने बेटे के लिए चाय बना के लाऊं? क्या चीज़ चाय अपने बच्चे के लिए? बिस्मिल्लाह ले आया छोकरी को। सरकार छोकरी को जिन्नाती हुजरे में ले जा। बाबा तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं लड़की नहीं, बड़मी आप यही बैठे। जिन्नाती हुजरे में सिवाय लोटे शाह बाबा के अलावा और कोई कदम नहीं रख सकता। चलो उठो। तू फिक्र मत कर बिटिया, उठो, मैं यहां बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूं। आओ जा। पहले पानी हमारी जमीनों को मिलेगा, हमारे लिए बाद में सोचेंगे। ये सरासर ज्यादती है। तुम्हारे वडेरे ने शेख साहब से वादा किया था कि रात को पानी हमारी जमीनों को लगेगा, फिर ये हेरा फेरी कैसी? हमारे साई ने किसी से कोई वादा शादा नहीं किया। पानी नहीं देंगे हम आपको। दोस्त मत दिखाओ यहाँ पे। पानी हमारा है, पानी तुम्हारा है, जो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अरे तो हम भी ये जोरावरी नहीं होने देंगे, जो तुम चाहोगे वो करोगे, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अपनी चोंच बंद रख मुड़े, वरना तेरी जबान बंद करनी मुझे आती है। वडेरे के चमचे, तुम्हारी आंख में शर्म गैरत है कि नहीं है? तुम्हें बुजुर्ग नजर नहीं आता? खुदा के लिए इस बड़े हंगामे को आप ही बचा सकते हैं, कुछ कीजिए। आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, कहीं बाहर जाके और खराब ना हो जाए। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, ये हमारे गांव का मामला है, मुझे खुद हल करना है। चलो तेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है ना, मैं ठीक करता हूं उसे। तू क्या ठीक करेगा मुझे? जा बाबा।